हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुसालिया में डिस्कॉम सब स्टेशन पर 33 केवी का ट्रांसफार्मर जला। पुसालिया कस्बे के हाईवे 4 लाइन के मुख्य बस स्टैंड के समीप डिस्कॉम के 33 केवी सब स्टेशन पर शुक्रवार अलसुबह अरठवाड़ा जोयला कृषि फीडर पर फॉल्ट आने से 33 केवी के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कनिष्ठ अभियंता स्वाति राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार अलसुबह 6:45 पर अरठवाड़ा जोयला कृषि फीडर पर 11,000 लाइन में जोरदार फॉल्ट आने से 33 केवी ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग को अपने स्तर पर बुझाने के प्रयास शुरू कर सूचना आला अधिकारियों का अग्निशमन केंद्र शिवगंज सुमेरपुर और सिरोही को दी गई, जिस पर शिवगंज सुमेरपुर व सिरोही से आए अग्निशमन वाहनों व उनके साथ लाए अग्निशमन गैस सिलेंडरों के माध्यम से कड़ी मशक्कत के बाद 9:15 पर आग पर काबू पाया जा सका। अग्निशमन की त्वरित कार्यवाही होने से पास में लगे 33 केवी के अन्य ट्रांसफार्मर जलने से बच गए। मौके पर उपस्थित एसी कन्हैयालाल मेघवाल, ATFO AC प्रवीण खत्री, XEN अरुण कुमार खत्री, AN विजय सिंह मीणा, शिवगंज कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र कुमार, पोसालिया कनिष्ठ अभियंता श्वेता राठौड़ व स्टाफ ने आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए। AN मीणा ने इस आग जनित दुर्घटना के कारण डिस्कॉम को करीब 25 लाख का नुकसान होना बताया। उन्होंने कहा कि अन्य फीडर सप्लाई आवश्यक जांच पड़ताल कर शुरू करवाई जा रही है। जालौर से 33 केवी का ट्रांसफार्मर मंगाने के लिए गाड़ी भेज दी गई है। कल तक इस फीडर की भी सप्लाई शुरू हो जाएगी। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।